कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आज समाप्त कर दी गई, जिसके बाद रीवा में एनएसयूआई ने जमकर विरोध किया और मानस भवन से लेकर स्वागत भवन तक मशान जुलूस निकालकर विरोध जताया। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जल्दबाजी में सदस्यता समाप्त की गई, ये लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है। करीब 2 साल पहले राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले पर सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। कांग्रेस जमकर इसका विरोध कर रही है। एनएसयूआई ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध किया है। राहुल गांधी ने सिर्फ किसानों, बेरोजगारों, महंगाई की बात की, वो अपनी बात रखना चाहते थे, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जिलाध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी किसानों की बात, युवाओं की, महंगाई और बेरोजगारी की बात सरकार के सामने रखते हैं, सवाल पूछते हैं जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है, जिसके चलते भाजपा इस तरह की कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र का गला दबाने का काम किया जा रहा है। संसद में बोलने नहीं दिया जाता, सरकार गिराई जाती है। इनका प्रयास विपक्ष को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जो आज राहुल गांधी के साथ हुआ, कल अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर भाजपा की सरकार के द्वारा इस लोकतंत्र में अपनी आवाज रखना, किसानों की बात करना, युवाओं की बात करना, महंगाई की बात करना, बेरोजगारी की बात करना, भाजपा सरकार प्रधानमंत्री को हजम नहीं हो रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर देशपूर्ण कार्रवाई करते हुए सांसद सदस्य से बर्खास्त किया गया है। हम सभी युवा इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम लोगों ने मसाज लूज करके इस बूढ़ी बहरी सरकार को लगाने का प्रयास किया है, जो लगातार इस लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज कोई भी उठाता है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। विपक्ष की आवाज को लगातार इस भाजपा सरकार में दबाया जा रहा है और जब भी कोई बात इनके खिलाफ की जाती है तो उसको जेल डालने का प्रयास किया जाता है, ईडी का दबाव बनाया जाता है, इनकम टैक्स का दबाव बनाया जाता है और लगातार किसी को भी ये बख्शने वाले नहीं है। लगातार दबाव बना बना के जेल के अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कड़े शब्दों में इसका विरोध करता हूँ और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस देश का युवा जरूरत पड़ी तो जेल जाने के लिए तैयार है। अगर हमारे नेता का अपमान हुआ, राहुल गांधी जी का अपमान हुआ, तो ये युवा शांत नहीं बैठने वाला, रोज पुत्र के प्रदर्शन करेगा। आज हम लोग मानस भवन से लेके स्वागत भवन चौराहे तक रैली निकाली है। मसाल जुलूस राहुल गांधी जी के ऊपर एक पुराना मामला लोग देते रहते हैं, कई बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दिया है, लेकिन उसको इस तरह से जो यहाँ पे कानून व्यवस्था है और उसको लेकर दबाव बनाया गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। मेरा नाम मनोज सिंह चंदेल है, यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष। आज का दिन लोकतंत्र के लिए बड़ा पीड़ादायक दिन है और सही मायने में अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या की योजना बन रही। जिस तरीके से राहुल गांधी की आनन फानन में सदस्यता खत्म की गई, कल निर्णय आता है, आज सदस्यता खत्म करते हैं। क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न लोकतंत्र के सामने खड़ा होता है कि क्या जरूरत है इतनी जल्दी यह निर्णय लेने का। राहुल गांधी के संसद में जो प्रश्न है और जो जनता के बीच में प्रश्न है, उससे मोदी सरकार घबरा गई और उनका जवाब वो नहीं देना चाहती प्रश्नों का। राहुल गांधी ने जो प्रश्न खड़े किए उनके सामने, बेरोजगारी का प्रश्न, गरीबी का प्रश्न, भ्रष्टाचार का प्रश्न, कुछ लोगों की आय अचानक से बढ़ जाने का प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब सरकार के पास नहीं है और सरकार ने आज इस तरीके से आज लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया है। हिंदुस्तान का प्रजातंत्र खतरे में है, निर्वाचित सरकारें गिराई जाती हैं, संसद में बोलने का टाइम नहीं दिया जाता, मौके नहीं दिए जाते, संसद और विधान सभाएं चला नहीं करती, तो ये किस किस्म का लोकतंत्र है? ये हमारे देश को के सभी जनता के साथ साथ सारे राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए और सोच भी रहे। ये आज राहुल गांधी जी के साथ शुरू हुआ है, इसके बाद ये केजरीवाल जी के साथ भी चल रहा है, दिल्ली में अखिलेश यादव के साथ भी, उत्तर प्रदेश में चल रहा है।
ये विपक्ष खत्म करना चाहते हैं, ये प्रजातंत्र ही इस देश से खत्म करना चाहते हैं और ये उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी और हम सब लोग इसकी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से और आम जनमानस की ओर से इस घटना की और ये जो कार्यवाही की गई है इसकी निंदा करते हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? कांग्रेस की AICC की बैठक चल रही है और 15-20 मिनट के अंदर उस बैठक का क्या योजना बनी है वो हम लोगों के पास आ जाएगी और उसके अनुरूप हम लोग कार्यवाही करेंगे। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।